हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 9th क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके कुछ नोट्स हैं हमारे, हम इनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो है हम 7th क्लास 8th क्लास के ज्योग्राफी तो हमारी हो चुकी है 6th क्लास की, और हमारी 6th 7th 8th की हिस्ट्री हो चुकी है, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 9th क्लास की हिस्ट्री ले रहे हैं और इस प्रकार से फिर हम 10th की करेंगे और उसके बाद हम ज्योग्राफी वापस से लेंगे जो है 6th की हो चुकी है, फिर 7th की करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वो वाले वीडियोज़ अगर देखने हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल के नीचे जो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर जाना है, प्लेलिस्ट के सामने आ जाएगी, इससे आप जो पहले वाले वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का फर्स्ट चैप्टर। और जो ये जो चैप्टर्स मैं करवाने जा रही हूँ ये आपको रीड के हिसाब से करवाने जा रही हूँ, जो मैटर उसमें दे रखा होगा मैं वही चैप्टर्स यहाँ पर लेकर आऊँगी आपके लिए। तो चलिए, क्लास नंबर 9th हिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो देखो, सिंधु घाटी जो सरस्वती सभ्यता है उसका उत्खनन कैसे हुआ। सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में, कहां पर, तो ये याद रखना कि सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारत के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में हड़प्पा नामक कस्बे के पास बहने वाली रावी नदी के बाएं किनारे पर बने हुए एक जो पुरातात्विक टीला है उसकी खोज करी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के दूसरे पुरातत्ववेत्ता जो थे वो थे राखलदास बनर्जी। कौन थे? राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में, उन्होंने 1921 में करी थी जो है दयाराम ये जो हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने करी 1921 में। और जो राखलदास बनर्जी हैं इन्होंने सन 1922 में अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, तो ये भी याद रखना कौन सा जिला, लरकाना जिले में बहने वाली सिंधु नदी के पूर्वी किनारे में स्थित मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज करी। तो मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज कहाँ से हुई है तो इसमें से देख लेना। नेक्स्ट है अपना है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो होता है मुर्दों का टीला। तो वो खोज के क्रम में जो है अर्नस्टाइन ने पूर्वकालीन बहावलपुर रियासत, अब जो पाकिस्तान में है, हाकरा नदी जो भारत की विलुप्त प्राचीन सरस्वती के विस्तार का क्षेत्र था, के सूखे रास्ते में 11 पुरातात्विक स्थल खोजे हैं। तो कितने पुरातात्विक स्थल हो गए, तो 11 पुरातात्विक स्थल जो हैं खोजे हैं। 1953 में अमलानंद घोष ने, किसने, अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर संभाग में लगभग 25 पुरातात्विक स्थलों की खोज की, जिसमें सबसे प्रमुख है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। और कौन से सन में करी थी? 1953 में अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबद्ध नगरों की सड़कें जो हैं, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी समांतर निर्मित की गई थी। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे काटती थी? सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो आगे देखते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता काल में नगर की जो गढ़ी वाले भाग में रक्षा प्राचीर, धातु पिघलाने के स्थान पर भट्टियाँ, यज्ञ वेदियाँ, विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्नागार आदि प्रमुख है। तो देखिए ये इसकी जो विशेषताएं हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आप देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। सिंधु सभ्यता काल में पर्दा जो प्रथा है वो प्रचलित नहीं थी। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, सिंधु का सभ्यता में जो है पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले, तो देखो ये वाली लाइन भी कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, पहले भी आ चुकी है और आती रहेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, गुजरात में लोथल नामक स्थान पर खुदाई में निकली एक गोदी यानी बंदरगाह के अवशेष से पता चलता है कि यह समुद्री यात्रा का प्रमुख केंद्र था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे तथा पृथ्वी, पीपल, नीम, जल, जैसे कि हम लोग आजकल भी पूजा करते हैं, सूर्य, अग्नि आदि देवी शक्ति को मानकर
उनकी पूजा करते थे। बलि तथा जादू टोने आदि अंधविश्वास भी प्रचलित थे। लोथल, बनावली एवं राखीगढ़ी से प्राप्त अग्निवेदिकाओं से लगता है कि वहाँ यज्ञों व अग्नि पूजा का प्रचलन था। तो देखो कहाँ से अग्निवेदिकाएँ मिली हैं, तो लोथल, बनावली और राखीगढ़ी से हमें अग्निवेदिकाएँ जो हैं प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर समाप्त होती है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारी जो है वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है इस चैप्टर की। इसमें जो वैदिक सभ्यता का काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, ये याद रखना। विद्वानों ने वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले जन समुदाय को आर्य पुकारा। तो क्या पुकारा उन्होंने, आर्य पुकारा है। नेक्स्ट है, इन आर्यों को ही वैदिक सभ्यता का संस्थापक व प्रसारक बताया। तो जो आर्य हैं इन्होंने ही वैदिक सभ्यता की क्या है, स्थापना करी है। विद्वानों ने यह भी कहा है कि ये आर्य भारत के बाहर यथा उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, तिब्बत या यूरोप से आए, लेकिन जो वर्तमान पुरातत्व एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया है कि जो आर्य हैं ना वो मूलतः भारत के ही निवासी थे। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य। तो देखो आर्य विद्वानों ने जिस साहित्य की रचना की वो वैदिक साहित्य के नाम से, कौन सा साहित्य, वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, षट, वेदांग आदि वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट है वैदिक काल में कई ग्रामों जो है समूह का समूह जन होता था। तो देखो जो ग्रामों का समूह है उसको जन कहते थे। जन के नेता को गोप, रक्षक या राजन कहते थे। वैदिक काल में राजनीतिक जीवन का आधार परिवार थे। कई परिवारों से मिलकर जो है ग्राम बनता था और राजन का निर्वाचन जो है प्रजा करती थी। शासक का सर्वोच्च अधिकारी राजन होता था। समिति, सभा व मंत्री परिषद नामक जनतांत्रिक संस्थाएं राज्य कार्य में राजन का सहयोग करती थी। अब आगे देखते हैं इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो देखो वर्ण जो है कितने माने गए हैं, चार माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है, वैश्य और आपका शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित थी। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित ना होकर किस पर थी, कर्म पर आधारित थी। तो देखिए जिसमें व्यक्ति की योग्यता व कार्यों से उसका वर्ण निर्धारित होता था। इस तरह वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा था, वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। नेक्स्ट है परिवार। तो परिवार में सबसे बड़ा पुरुष जो है वो मुखिया होता था, उसे ही गृहपति कहा जाता था। क्या कहते थे, गृहपति कहा जाता था। वैदिक समाज में स्त्री का बहुत सम्मान था। तो देखो स्त्री जो होती थी उनको बहुत सम्मान दिया जाता था वैदिक काल में। पर्दा प्रथा का जो है प्रचलन बिल्कुल नहीं था। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होता था। पुत्र की भांति पुत्री को भी उच्च शिक्षा का अधिकार था। गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, गृहित आदि विदुषी महिलाएं जो हैं, लोप मुद्रा वगैरह, वो सारी इसी युग में हुई थी। नेक्स्ट है अपना आश्रम व संस्कार व्यवस्था। तो आश्रम और संस्कार व्यवस्था कैसी थी, मनुष्य की आदर्श आयु जो है उसको 100 वर्ष मानकर जीवन को चारों कालों ब्रह्म, देखो चार प्रकार के जो हैं आश्रमों में बांटा गया था। तो चार प्रकार के आश्रम कौन कौन से थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों में विभक्त किया था। आश्रम व्यवस्था का आधार देखो क्या माना था, आयु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, इसको देख लेना, कई बार एग्जाम से पूछ लेता है कि आश्रम व्यवस्था का आधार क्या था, तो आयु था। गृहस्थ आश्रम जो है उसको सबसे श्रेष्ठ बताया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम था गृहस्थ आश्रम। उस काल में 16 संस्कारों का विधान था जिसमें पुष्वन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, विद्या अर्जन संस्कार, विवाह संस्कार आदि प्रमुख संस्कार थे। नेक्स्ट है रथ दौड़, घुड़ दौड़, शिकार और मल्ल युद्ध मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। तो मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या थे, रथ दौड़, घुड़ दौड़, शिकार और मल्ल युद्ध। संगीत व नृत्य लोकप्रिय थे तथा प्रमुख वाद्य यंत्रों में वीणा, बांसुरी, शंख, झांझ व मृदंग आदि प्रचलित थे। तो देखो आर्थिक जीवन कैसा था इनका, कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधे, व्यापार और वाणिज्य। खेती का काम हल बैल से किया जाता था। गाय, हाथी, घोड़ा, भैंस, हिरण, भेड़, बकरी व गधा प्रमुख पालतू पशु थे। गाय को पवित्र व आर्थिक समृद्धि का केंद्र मानते थे। गायों की संख्या जो है वो उन्नति का एक पैमाना था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में भीषक जो नाम से एक चिकित्सक का उल्लेख मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भीषक नाम का चिकित्सक है ऋग्वेद में, भीषक नाम के सिकर जो चिकित्सक है उसका उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में निष्क नाम का सिक्का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा
कि ऋग्वेद में किस नाम का जो सोने का सिक्का था वो चलता था, तो निष्क नाम का, या निष्क नाम का सिक्का जो है वो किस काल में चलता था, तो ऋग्वेद में निष्क नाम का जो सिक्का है वो जो है चलता था। नेक्स्ट इनका धार्मिक जीवन देखते हैं। इनके देवता इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और उषा, वरुण प्रमुख थे। इनका जो धार्मिक जीवन सरल और आडंबर रहित था। वैदिक काल के अंत में उपनिषदों ने ज्ञान का मार्ग प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, अगर हम आगे पढ़ते तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और ये इसका पार्ट वन बनेगा इस चैप्टर का। पार्ट टू मैं आपको कल करवा दूँगी और आगे हम राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और ये अपना वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होता है। आपको आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर तो फ्रेंड्स आज इतना ही पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट ये पार्ट वन हो जाएगा, पार्ट टू इसका कल आ जाएगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ जो है आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में। तो फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स थैंक यू।